घर तोड़े से पहले ये लोग कुछ बोले थे? कुछ नहीं बोला है भाई, तो नोटिस दिया था, तो नोटिस तो बरसात में बारिश में कहाँ जाएंगे हम लोग। अब जैसे तैसे कुली कबाड़ी करके मजदूरी करके हम लोग बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी इंटर कर रही है बच्ची तो। हाँ, स्मार्ट सिटी लायक नहीं है यहाँ पे, तो राजा मंत्री लोग का ना घर बनेगा, हम लोग का कहाँ बन सकता है। इस राज्य की जनता को हक है, पर हम लोग इतना चिल्लाते हैं, उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है। हम लोग का तो सरकार बहिरा और गूंगा है। अब हम क्या कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे तब भी नहीं सुन रहा था कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है, इतने पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे आ रही है, राजनेता आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमको किसी का आश्वासन नहीं चाहिए, हमको एक जगह जमीन चाहिए और एक गांव चाहिए जिसमें मेरा पूरा गांव बसे। चिल्ला से किसी का भी घर, अगर किसी का भी आशियाना जो होता है ना, और वो लड़की का तो शादी था, सोचो किसी का, लड़की लोग का सबसे ज़्यादा सपना होता है कुछ चीज़ बन के। अगर किसी का घर में हम लोग रहने जाते हैं तो हम लोग का मतलब घर सब चीज़, हम लोग का कोई भी चीज़ हम लोग का परिवार को देख के रिश्ता लेके आता है, और वही अगर घर ही ना रहे तो वो इंसान विदा कहाँ से होगी, वो लड़की वहाँ से। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। कल यानी 2 तारीख को आपने कई खबरों के माध्यम से देखा कि एक आदिवासी परिवार के घर के ऊपर चढ़ा बुलडोजर, और वो युवती किस तरह से चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि हम कहां जाएंगे, हमें पहले बसाया जाए उसके बाद उजारा जाए, और लगातार यही सवाल विपक्ष के द्वारा भी उठाया जा रहा है और किया जा रहा है कि उजारने से पहले बसाया जाए। लेकिन चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता के हितों पर कितनी खड़ी उतर रही है इसका जीता जागता उदाहरण आप इस खबर में सुनेंगे कि पीड़ित परिवार वालों ने क्या कुछ कहा पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर। सही सुना आपने, आपको बताते चलें, आज पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी पहुंचे धुरवा स्थित बन रहे स्मार्ट सिटी के विस्थापितों के बीच और सरकारी व्यवस्था पर, तो वहीं हेमंत सरकार पर भी हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कल एक आदिवासी स्कूली छात्रा के घर को बुलडोजर से गिराए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त किया था। आज उसी से मिलने धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पहुंचे थे। श्री मरांडी ने कहा, सरकार के द्वारा विस्थापितों को जब तक पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक काम नहीं होना चाहिए। और क्या कुछ कहा वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने, तो वहीं उस छात्रा ने कह दी है बड़ी बात, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी क्या कुछ हुआ वहाँ पे जब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुँचे। लेकिन सोचने और समझने वाली बात, सेकंड ईयर में पढ़ने वाली सुहानी सांगा जब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समक्ष पहुँचती है तो कैसे होती है बातें पूर्व मुख्यमंत्री में और सुहानी सांगा में, ये पहले देखें आप। इसके बाद अगले खबर में हम देखेंगे कि क्या कुछ कहा परिवार वालों ने और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने, तो वहीं सबसे बड़ी बात, सभी बातों को लेकर कैसे जवाब दिया और क्या कुछ अपनी बातों में कहा सुहानी सांगा ने, हम देखेंगे अगले खबर में। आइए देखते हैं पहले इस खबर को। तुम्हारा नाम था जमीन तो एक्वायर किया होगा ना जो समय एक्वायर किया होगा, लेकिन हम लोग को इतना थोड़ी ना पता है कितना क्या क्या है। हम लोगों को कहीं नहीं बसाया, कहाँ बसाया, हम लोग कितना बार रिक्वेस्ट कर रहे कि हम लोग को कहीं बसाया जाए झारखंडी को, इस समय बाहरी खल बस जाता है, झारखंडी भाग जाता है। परिवार रहता था यहाँ, यहाँ ये दो ही परिवार है अभी रास्ता में। नहीं, मैंने दो ही परिवार का घर तोड़ दिया। हाँ, दो ही परिवार का घर तोड़ दिया। तो दोनों सोमा का ही परिवार थे? नहीं, सोमा को डेविड है। हाँ, डेविड, डेविड का। तो वो भी यहीं के थे? वो यहीं के हैं। के नाम से? सोमा के नाम से है। व्यवस्था तो आप लोग को इतना करना चाहिए सर एकदम ना। अरे यार, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं तो हम तो अभी तो अभी तो नहीं, हम तो ये टीवी वाला चला रहा था तो हम देखे तो हम बोले कि बात चल करके समझते हैं। यही लड़की है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सोमा संगा। आपका सोमा संगा है? संगा 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 साटोली ब्रेक फेल मूसा टोली। इतना ही लिखा था रांची। ये लटमा मौजा के अंदर आता है। लटमा मौजा में ही मूसा टोली आता है।
क्या बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो भी तो नहीं, पहले तो बन रहा था ना जो लोगों के लिए घर और क्या। हाँ तो वो घर भी तो हम लोग को कहाँ मिला है, जो वो भी तो किसी और ही को मिल जाता है। हम लोग भोला भाला दिखते हैं, बोल को हम लोग ठगे के लेके चल जाता है। मेरा माँ बाप लोग भोला भाला है, दादू दादी भोला भाला था, इसलिए नहीं जानता था तो किसी चीज में भी साइन करवा के लेके चल जाता था। आप भी जानते हैं कि पहले का आदिवासी लोग नहीं जानता था, गया घर का फोटो खींच के लेके गया, नंबरिंग डाल के गया, वो का बोलते हम लोग को कहते हैं आश्वासन देने के लिए सिर्फ पैसा करके गया था, का पैसे ना देने के लिए गया था कि यहाँ से अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये जगह हम लोग कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ गया आखिर में भी? अभी का ये प्रोजेक्ट है, आप ही बताइए, अभी का प्रोजेक्ट है सब। जब नहीं हुआ था तो वहाँ पे वो बिजली ऑफिस है, वहाँ पे उद्घाटन हुआ था, आपको भी याद होगा, उतना समय का है प्रोजेक्ट। और नरेंद्र मोदी खुद आके शायद उद्घाटन किए थे कि क्या, उतना भी तो हमको नहीं पता सर। इतना 3-4 साल पहले उद्घाटन हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 6-7 क्लास में थे उस समय। हमने के लिए एकड़ एकड़ जो जगह जमीन दान किया उसके लिए 10 डिसमिल जमीन। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोग समाधान के लिए आए हैं कि आप लोग को जो दिक्कत हुआ ना सर, देखे सर 2 साल तो ऐसे घिस पिट के चला, इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप लोग का ऐसा ना कि फिर इस बार भी बात होकर के जा रहा है, फिर हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पता चला, अभी 2 घर टूटा है पल पता चल रहा है, उधर नीचे घर भी सब खत्म हो गया। उधर कितना घर है? इधर है 17 घर, यही गाँव में होता है। हम लोग सुनवाने के लिए आए हैं कि सरकार को सुनना पड़ेगा, कैसे नहीं तो कहाँ रहेंगे? सरकार तो छत लोगों को देती है कि छत उजाड़ेगे लोग। रोड में जो का सब्जी बेचता है वो लोग को क्या बोलते हैं, घर बना के जो मार्केट दो, वेंडर मार्केट सब बना के दे 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 रहा है, जो जमीन जगह भी दिया जाता है। क्या हम लोग आदिवासी नहीं दिखते हैं सर? हम लोग को पता है नोटिस में नीचे का लिखा हुआ था, बिहारी अधिकरण द्वारा आप लोग को हटाया जाएगा और उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ये लिखा हुआ था नोटिस का नीचे, हमको इतना भी याद। नोटिस तो है क्या? और नीचे हमको इतना भी याद है, पूरा हम नहीं पढ़े थे पर नीचे हम पढ़े। नंबर ले लो, व्हाट्सएप कर देना अगर होगा मोबाइल से। प्रणाम प्रणाम। अरे यहाँ आपका स्मार्ट सिटी में आए हुए, अब गरीबों का दो लोग सब झोपड़ी ओपड़ी तोड़ रहे हो, पहले तो इन लोगों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए था ना, इन लोगों के घर और बना करके देना चाहिए था, तब करना चाहिए था। अब जीता नहीं, मेरा कहना है कि आप सरकार को आज लिखिए हमारे हवाले से कि आप यहाँ तब तक बंद करें मशीन जब तक इन लोगों को कहीं भी 10 डिसमिल जमीन दे करके घर बना करके नहीं रख लेते हैं, और नहीं तो फिर हमको आकर के यहाँ धरना पर बैठना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जैसा जिस शब्द में आपको बोल रहे हैं उसी शब्द में आप सरकार को लिख दीजिए, जो कि हम यहीं आए हुए हैं वास्तव में। फिर यहाँ इन लोगों का पानी पीने का भी जो एक कुआं था उसको पूरा धांस दिया, दूसरा कुआं शायद वो भी धांस देगा, बेचारे कहाँ पिएगा इस सब में। आखिर बताइए, बरसात का समय, बरसात नहीं भी हो, प्राकृतिक ने भी ईश्वर ने भी क्या किया, पहले धरती बनाया तब हम सारे लोगों को जीव जंतु को पैदा किया। तो सरकार भी अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, अच्छी बात है बना हुए, लेकिन जो लोग पहले से रह रहे हैं जिसकी ज़मीनें थी उसके पूर्वजों ने दिया, अगर 56 में उन लोगों को हटा देते तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब तो रह रहे हैं बाल बच्चों के साथ, तो अब तो कम से कम इस बुलडोजर को तब तक बंद करने चाहिए इधर, जब तक इन लोगों को कहीं भी बढ़िया से जगह पर, रांची में एच ई सी एरिया में, ऐसा नहीं कि कोई फिर बुंडू तमाड़ में भेजे, समझे कि नहीं। तो ये हमारे ओर से जैसे बोल रहे हैं सरकार को वैसे ही भेजो और तब तक बंद करवाओ, ठीक है? नहीं तो अभी तो खाली आकर के देख रहे हैं, नहीं तो दल बल के साथ आएंगे हम तो 20-22 दिन क्या बोलते हैं पेनाम के जंगलों में बैठे थे धरना में, ये तो रांची शहर है, हमारे लिए कोई सब बहुत दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है? हाँ, उसको सूचित करो तुरंत, ठीक है? और यहाँ बता दो कि सब बंद करेगा तब तक, नहीं बंद करेगा तो फिर हम आएंगे, तब तो हम बैठेंगे यहीं पर फिर, ठीक है? हाँ, स्मार्ट सिटी लायक नहीं है यहाँ पे, तो राजा मंत्री लोग का ना घर बनेगा, हम लोग का कहाँ बन सकता है।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।